हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी के म्यूजिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इसी तरह हमारी वीडियोज को देख देख कर म्यूजिक के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो गाइज, आज हम बड़ा ही खूबसूरत पंजाबी सैड सॉन्ग लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, जिसको गाया है नसीबो लाल जी ने। और इसके बोल हैं, बहुता प्यार भी ना करी नहीं ते रुल जावेगा। तो आज हम इस खूबसूरत पंजाबी सॉन्ग को अपने हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर या फिर अपने मोबाइल पियानो पर प्ले करना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको अपने हारमोनियम पर प्ले करने के साथ साथ इसको गाया जा सकता है, कौन से ऐसे नोटेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इस गीत को अपने हारमोनियम पर प्ले करने के काबिल बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्केल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सिखाऊंगा सी शार्प से, यानी पहली काली को सा मानकर। पहली काली हमारा सा रहेगी और स्केल हमारा जो है वो सी शार्प माइनर होगा। सी शार्प माइनर स्केल से हम इसको सीखेंगे प्ले करना। और पहली काली को सा मानकर राग की अगर मैं बात करूं तो राग इसका राग शिवरंजनी है, और आपको मालूम है कि राग शिवरंजनी में 5 सुर लगते हैं। तो चलिए हम पहले इनके सुर, इस गीत में लगने वाले सुरों को जो है वो जान लेते हैं कि कौन कौन से सुर इस गीत में लगेंगे। राग शिवरंजनी से हटकर जो इजाफी सुर लगेंगे उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राग शिवरंजनी पहली काली से कैसे बनता है। पहली काली को सा अगर माना जाए तो राग शिवरंजनी के नोटेशन क्या बनते हैं, और फिर बाद में बात करेंगे इजाफी सुरों की। सबसे पहले राग शिवरंजनी देख लेते हैं। सारे गा पा और धा, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं मैं इजाफी सुरों की, तो इजाफी सुरों में हम कहीं कहीं जो है वो माशुद्ध का इस्तेमाल भी करेंगे, अस्थाई में ही करेंगे, यानी अस्थाई के दूसरे बोल में जिसको संचाई कहा जाता है, संचाई में हम जो है वो माशुद्ध का इस्तेमाल करेंगे। पहला इजाफी सुर हमारा माशुद्ध रहेगा, और दूसरा इजाफी सुर जो कि राक्षी वरंजनी का नहीं है वो है नी कोमल। यहाँ से नी कोमल बनेगा पहली काली को सामान कर, और यहाँ से जो है हमारा माशुद ये बनेगा। तो माशुद और नी कोमल का इस्तेमाल भी हम इस कंपोजिशन के अंदर करेंगे, और ये हमारे इजाफी सुर हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गा के सुनाता हूँ कि कैसे इसको अपने हारमोनियम पर प्ले किया जा सकता है। अस्थाई जो है वो पहले सीखते हैं, पहले गाता हूँ और फिर बताता हूँ स्लोली इसको कैसे अपने हारमोनियम पर प्ले कर सकते हैं। बोता प्यार भी ना करी नहीं ते रुल जानेगा, बोता प्यार भी ना करी नहीं ते रुल जानेगा, इत्थे रुल गे ने लखां तुमी रुल जानेगा, बोता प्यार भी ना करी नहीं ते रुल जानेगा, बोता प्यार भी ना करी नहीं ते रुल जानेगा, खां तुई रुल जावे गा, गोता प्यार बिना करी नहीं ते रुल जावे गा। तो बस ये था हमारा आज की इस खूबसूरत कंपोजिशन का अस्थाई पोर्शन जिसको हमने सुना। अभी बढ़ते हैं इसको सीखने की तरफ कि कैसे इसको सीखा जा सकता है, कैसे प्ले किया जा सकता है। तो सारे गा पा धा धा से हम जो है वो अपने गाने के स्थाई का जो है वो आगाज करेंगे। देखिए कैसे, बोता प्यार भी ना करी, बोता प्यार भी ना करी नहीं ते रुल जानेगा। देखिए कैसे, बोता प्यार भी ना करी स्लोली, बोता प्यार भी ना, ना पे जो है
रे का टच लेके साथ आएंगे। बोता प्यार रे ना आपने जल्दी से रे का जो है हमने टच देके सा पे आना है। बोता प्यार रे ना करे रुल जानेगा बोता प्यार रे ना करे नहीं ते रुले जानेगा। दोबारा बोता प्यार भी ना करे नहीं ते रुले जानेगा। फिर इथे रुल गए ने लखा तुम्हें रुल जानेगा इथे रुल गए ने लखा थे रुल गए न लखा तुनी इथे रुल गए न लखा तुनी इथे रुल गए न लखा तुनी रुल जानेगा रुल जानेगा। कैसे रुल जानेगा। तो हमने जो है दूसरे बोल में मैंने आपको बताया था कि माशुद का और निकोमल का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए कैसे हो रहा है। एथे रुल गे ने लखा तुमी रुल निकोमल रुल जानेगा रुल जानेगा एथे रुल गे ने लखा तुमी रुल जामेगा बोता प्यार भी ना करी नहीं ते रुल जामेगा एथे रुल गे ने लखा तुमी रुल जामेगा बोता प्यार भी ना करी नहीं ते रुल जामेगा। तो गाइस ये थी हमारी खूबसूरत स्थाई जिसको हमने अपने हारमोनियम पर प्ले करना सीखा। बढ़ते हैं इसके अंतरे की तरफ। अंतरा इसका भी नहायत ही आसान और शानदार है, तो चलिए अंतरा इसका जो है वो हमारा यहाँ से इस साज से हम इसको जो है वो प्ले करेंगे। तो पहले गा के सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि कैसे इसको गाया जा सकता है। ओरिजिनल भी सुनिएगा ताकि मजीद आपको क्लैरिफाई हो जाए कि कैसे आप इस गीत को अपने हारमोनियम पर बेहतर अंदाज के साथ गा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अस्थाई के बोल जो हैं वो भी नहायत ही शानदार और आसान कंपोजिशन पर जो हैं बहुत ही आसान कंपोजिशन पर बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं, गा के सुनाता हूँ, फिर स्लोली इसको सीखेंगे कि अपने हारमोनियम पर कैसे प्ले कर सकते हैं। गल मुनाल गैनी बड़े सोखी हुंदी पर कह के निभानी बड़ी औखी हुंदी। इतनी सी बात है। गल मुँह नाल कहनी बड़ी सौखी हुंदी है पर कह के निभानी बड़ी औखी हुंदी है। कच्ची गंढ वांगू राए राए खुल जावेगा बोता प्यार भी ना करी नहीं ते खुल जावेगा। गल कहनी बड़ी सौखी हुंदी है पर कह के निभानी बड़ी औखी हुंदी है। चलिए देखते हैं कैसे इसको प्ले किया जा सकता है। गल मुँह नाल कहनी बड़ी गल मुँह नाल कहनी बड़ी गल कहनी बड़ी सौखी हुंदी सौखी हुंदी सौखी हुं
दिए गल मुनल कैनी बड़ी सौखी हुंदिए पर कै के निभानी बड़ी औखी हुंदिए गल मुनल कैनी बड़ी गल मुनल कैनी बड़ी सौखी हुंदिए वन फिंगर से बताता हूँ स्लोली गल मुनल कैनी बड़ी सौखी हुंदिए सौखी हुंदिए पर कै के निभानी बड़ी औखी हुंदिए पर कै के निभानी बड़ी औखी हुंदिए। मेरा साइड पैटर्न शुरू हो जाता है। इतना ही आपको सीखना है और आपका जो है वो गाना हारमोनियम पर गाने के बजाने के काबिल हो जाता है। अस्थाई पैटर्न कच्ची गंड वांगू राए राए खुल जाएगा कैसे दोबारा देखें कच्ची गंड वांगू राए राए खुल जाएगा बोता प्यार भी ना करी कच्ची गंड वांगू राए राए खुल जावेगा कच्ची गंड वांगू राए राए खुल जावेगा खुल जावेगा बोता प्यार बिना करी नहीं ते हमारी आज की खूबसूरत वीडियो जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें आप बताएं कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।